हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम टीआरएस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो जेई का एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर करेंगे। देखिए, 31 जनवरी 2024 को बिलासपुर डिवीजन में एग्ज़ाम लिया गया था, उसी का क्वेश्चन पेपर करेंगे। देखिए, यदि आप एएलपी 50% कोटे की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो टीआरएस में पूछे जाते हैं। यहाँ एसीटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनुअल बना हुआ है। यहाँ पर एसी ट्रैक्शन मैनुअल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि G9 लोगों को बैंकर में काम करते समय कौन से न्यूमेटिक जो है कॉक जो है पैनल में बंद होने चाहिए। तो पैनल से रिलेटेड भी मैंने वीडियो जो है डाल दिया हूँ, जो कोर्स में चांदा स्टडी ऐप पे डाला हुआ है। यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉक 70 और कॉक 136 जो है बंद होता है न्यूमेटिक पैनल में जब बैंकर में वर्किंग करता है। G9 इंजन में BPFL स्विच का स्थान क्या है, जो BPFL स्विच होता है उसका स्थान क्या है। देखिए, दोनों कैब के पैनल सी में जो है दिया जाता है, पैनल जो सी रहता है वहाँ पे दिया जाता है। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि G9 लोको में पार्किंग ब्रेक डैश पर लगता है, यानी कि कौन से व्हील नंबर पे पार्किंग ब्रेक लगता है। इसका राइट आंसर 2, 6, 7, 11 पे लगता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर क्वेश्चन कि G9 लोको में VCD आइसोलेशन स्विच की संख्या और स्थान क्या है, जो VCD स्विच होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 237.1 और ये भी SV1 पैनल में लगाया जाता है, SV1 पैनल में रहता है। छठे नंबर क्वेश्चन है कि हाउ विल द आइडेंटिफाई द कॉक ऑफ एयर ड्रायर इज ओपन कंडीशन, यानी कि एयर ड्रायर ओपन कंडीशन है इसका कैसे आप पता लगा सकते हैं। तो देखिए, कॉक शुड बी पैरेलल टू द पाइप, यानी पैरेलल पाइप के पैरेलल है तो उसका समझिए कि ओपन है। साथ में कि कौन सा स्विच जो है G9 लोको में ट्रैक्शन कन्वर्टर को आइसोलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, G9 में जो है 4 स्विच ही पाया जाता है, और 4 स्विच कौन कौन है, सीरियल में रहेगा 152 रहेगा, 154 रहेगा, 160 रहेगा और 237 रहेगा। यहाँ पे देखिए सबका काम क्या क्या है। यहाँ पे देखिए 152 का जो इसे जो स्विच बोला जाता है, इसे हम लोग जो है फेलोर मोड ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। 154 जो है इसे जो है बोगी कटआउट स्विच के नाम से भी जाना जाता है। 160 जो होता है वो जो है रोटरी स्विच कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, और वो 237.1 जो होता है ये देखिए विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस के लिए होता है। सबका कभी कभी पोजीशन भी पूछा जाएगा तो पोजीशन भी याद कर लीजिए आप। जैसे 152 है इसका 2 पोजीशन होता है, 0 और 1 होता है, और 154 होता है इसका 4 पोजीशन होता है, एक नॉर्मल होता है, 1, 2 और 1+2 होता है। 160 का 0 और 1 पोजीशन होता है, और 237.1 का भी 1 और 0 पोजीशन होता है, जिसमें नॉर्मल पोजीशन 1 होता है जिसमें VCD सर्विस में रहता है, और 0 जो होता है VCD आइसोलेट में होता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है कि G9 लोको में ट्रैक्शन बोगी की उप प्रणाली क्या है, जो G9 है उसमें उप प्रणाली क्या है। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि SH02 एंड SH03 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि G9 लोको में BR1 किस उप प्रणाली से संबंधित है, BR1, BR2 और BR3 होता है तो किस प्रणाली से संबंधित, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी SH06 से संबंधित है। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट देन द स्पीड ऑफ G9 लोको विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू, यानी कि जब हार्मोनिक फिल्टर को आइसोलेट किया जाता है तो G9 लोको में गति कितने तक जो है सीमित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 KMPH हो जाएगा, B नंबर। मैंने कोर्स में PDF भी डाल दिया हूँ 3 फेज लोको का, जो G9 लोको आता है, और उसके अलावा G5 G7 का भी PDF डाल दिया हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ G9 लोको में MCB 100 और 112.1 किस स्थान पे लगे हुए रहते हैं, इसमें देखिए जब आप यहाँ पे देखेंगे MCB 110 किस बैटरी के लिए होता है, बैटरी चार्जर के लिए 112.1 यहाँ पे SV2 पैनल में लगे रहता है। ये 11 का 2 राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि G9 लोको में यदि बैटरी जो है वोल्ट 82 वोल्ट हो जाता है तो स्क्रीन पर कौन सा फॉल्ट मैसेज आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा P1 मैसेज, यानी लोको विल द शट डाउन का मैसेज आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि G9 लोको में पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए लोको गति क्या होनी चाहिए, यानी कि पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए लोको का गति क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 KMPH से नीचे हो रहेगा तभी जाके पार्किंग ब्रेक लगेगा। यहाँ पे ब्रेक अप्लाई होने पे G9 लोको में ऑटो ब्रेक लग जाता है,
पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाता है जिसमें हैंड ब्रेक नहीं रहता है। G9 लोको में BP चार्जिंग के लिए किस नंबर का कॉक जो है खुला होना चाहिए, तो सबका कॉक का अलग अलग कार्य है। तो यहाँ E70 जो कॉक होता है उसका BP चार्जिंग से लेना देना है, इसलिए 70 कॉक खुला होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि CCB जो है ब्रेक सिस्टम वाले G9 लोको में कैब को बदलते समय रियर कैब के A9 को किस स्थिति में रखा जाना चाहिए, जो रियर कैब का A9 होगा उसको किस स्थिति में रखा जाएगा, तो यहाँ पर फुल सर्विस में रखा जाएगा, तो दूसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि G9 लोको में लोको कूलिंग मोड में रखने के लिए BL चाबी को कैसे संचालित करना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले D से ऑफ, फिर ऑफ से C, फिर C से ऑफ और फिर ऑफ से C करेंगे तो कूलिंग मोड में ऑटोमेटिक चला जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि G9 के लोको ब्रेक परीक्षण के दौरान लोको को 10 kN तक नहीं बढ़ना चाहिए, तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 150 kN तक नहीं बढ़ना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि G9 इंजन में कैब बदलने के दौरान कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी CE की स्थिति जो है डैश होती है जब कैब हम बदलते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ हॉल्ड मोड होता है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि G9 लोको में डैश प्रकार की बोगी होती है, यानी कि G9 जो लोको होता है किस प्रकार का होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा कोको फ्लेक्सी कॉयल टाइप का होता है, तो 3 नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर क्वेश्चन है कि G9 इंजन में थ्रोटल के संचालन से पहले स्क्रीन पर डैश नॉट डिस्प्ले सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यानी थ्रोटल के संचालन से पहले पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 590। थ्रोटल के संचालन में यहाँ पे अलग अलग है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले 504 नॉट आता है, जब इंजन में स्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो 504 आएगा, तब यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ पे पेंटो खड़ा करेंगे, 504 के बाद 550 आता है तब जाके DJ क्लोज किया जाता है, 550 के बाद 570 आता है जिसमें आप कंप्रेसर वगैरह ये सब क्लोज करेंगे, 570 के बाद 590 आएगा, फिर 500 जाके 96 आता है जो कि थ्रोटल को मूवमेंट करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि G9 लोको में एयर ड्रायर का स्थान जो होता है डैश होता है, G9 लोको में एयर ड्रायर कहाँ रहता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैटल गार्ड 1 के पीछे LP पक्ष में, यानी कि कैटल गार्ड जो होता है उसी में होता है, कैब 1 के पास लगा हुआ रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन यानी कि नीचे में रहता है, G7 इंजन में LSFI की निरंतर चमक क्या दर्शाती है, यहाँ पे देखिए WAP7 जो होता है जो पैसेंजर ट्रेन के लिए इंजन का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कम से कम एक उप प्रणाली पृथक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि G9 लोको में इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन स्विच का स्थान जो होता है कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए दोनों कैब के पैनल ए में होता है, जो पैनल A, B, C डिवाइड किया गया है इसमें पैनल ए में ये रहता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि G9 लोको में हार्मोनिक फिल्टर रेसिस्टेंस जो होता है कहाँ स्थित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द लोको रूफ में स्थित होता है, यहाँ पर रेसिस्टेंस पूछा गया इसलिए छत के ऊपर रहता है, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि G9 लोको में जो है पहिए का ब्याज जो होता है क्या होता है G9 लोको का, तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1092 mm हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पेंटोग्राफ को 3 चरणों में नीचे या ऊपर उठाने के लिए G7 इंजनों में डैश बल्ब जो है प्रदान किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रोटल बल्ब प्रदान किए जाते हैं, तो थ्रोटल बल्ब राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि G9 इंजनों में पेंटो नंबर 2 को अलग करने के लिए पेंटो चयनकर्ता स्विच को डैश स्थिति में रखना चाहिए और डैश कॉक को बंद कर देना चाहिए, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक में रखना चाहिए और पेंटो 2 यहाँ पे स्विच को यानी कि बंद कर देना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि G9 इंजनों में जब ZTEL को चालू किया जाता है तो ट्रैक्टिव एफर्ट 10 kN तक सीमित होता है, ट्रैक्टिव एफर्ट कितना न्यूटन सीमित होता है, तो 300 N तक सीमित होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि WAG9 इंजन में यदि ट्रेन की गति अधिकतम अनुमेय गति से डैश अधिक बढ़ा दी जाती है तो आपातकालीन ब्रेक जो है स्वचालित रूप से लागू हो जाएगा, 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 10% यदि बढ़ा लिया जाएगा तो स्वचालित आपातकालीन ब्रेक लग जाएगा।
30 नंबर क्वेश्चन है कि WAG-9 इंजन में पोटेंशियल ट्रांसफर जो है डैश रूफ बार से जुड़ा हुआ होता है, तो 30 का एक हो जाएगा यानी कि मिडल रूफ बार से जुड़ा हुआ होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि WAG-9 लोको में फायर डिटेक्शन यूनिट FDU को रिसेट करने के लिए डैश बटन दबाया जाता है, तो देखिए यदि नॉब प्रोवाइडेड है तो नॉब को रिसेट किया जाता है, इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है WAG-9 इंजनों में स्विच नंबर 152 डैश के लिए प्रदान किया जाता है, चार स्विच मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, तो इसमें से 152 का पूछा है, तो यहाँ पे देखिए थ्रोटल डिफेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे जब थ्रोटल जो है मूवमेंट नहीं किया जाता है, जब थ्रोटल से जो तब जाके 152 स्विच को पोजीशन को चेंज किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि WAG-9 इंजन में बोगी को न्यूमेटिकली आइसोलेट करने के लिए एक कॉक कहाँ स्थित होता है, न्यूमेटिक आइसोलेट करने के लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एबव मेन कंप्रेसर के ऊपर रहता है, तो यहाँ पे एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि WAG-9 लोको में पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए डैश स्विच को दबाने की आवश्यकता होता है, तो यहाँ पे BPPB देखिए पुश बटन फॉर पार्किंग ब्रेक, यहाँ पे एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि WAG-9 लोको में सामान्य ऑपरेशन में ट्रैक्शन कन्वर्टर पंप से तीन चरण की आपूर्ति किसके किसको मिलती है, तो यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा B2 से मिलती है, तो बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा B2। 36 नंबर क्वेश्चन है कि WAG-9 लोको में ट्रैक्टिव प्रयास को सीमित करने के लिए डैश स्विच को दबाना चाहिए, यहाँ पे 36 का राइट आंसर हो जाएगा जेटल स्विच दिया जाता है, जेटल स्विच को दबाना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि WAG-9 लोको में ओवर करंट रिले डैश है, यहाँ पे देखिए ओवर करंट रिले पूछा गया, तो OCR-78 यहाँ पे ओवर करंट रिले दिए जाते हैं, तो 37 का तीन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि WAG-9 लोको में कितने ऑक्सिलरी कन्वर्टर होते हैं, यहाँ पे ऑक्सिलरी कन्वर्टर पूछे गए हैं, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा दो, यानी कि तीन ऑक्सिलरी कन्वर्टर होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि WAG-9 लोको की अधिकतम अनुमेय गति डैश किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सभी इंजन में देखते होंगे आप लोग लिखे हुए रहता है कि मैक्सिमम 100 लिखा रहता है, तो 100 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि WAG-9 लोको में बैटरी बॉक्स की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, देखिए कन्वेंशनल और थ्री फेज में बिल्कुल अलग है, तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बैटरी बॉक्स दो दिए जाते हैं, दो राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि TFP तेल को परिचालित करने के लिए यानी ट्रांसफार्मर तेल को परिचालित करने के लिए G9 लोको में कितने पंप जो है प्रदान किए जाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दो पंप दिए जाते हैं, तो दो राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि G9 इंजनों में सामान्य कार्यशील स्थिति में बैटरी चार्ज को डैश से जो है आपूर्ति मिलती है, किससे आपूर्ति मिलती है, B3 से मिलता है, तो यहाँ पे B3 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब आप लोग पढ़ेंगे B1 आइसोलेट होता है तो किससे मिलता है, B2 आइसोलेट होता है किससे मिलता है, तो क्लियर पता चल जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डिटेल से बताऊंगा। G9 इंजनों में BPCS के माध्यम से निरंतर गति नियंत्रण गति से भी क्रिया किया जा सकता है, यानी जब लोगों की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रहेगा तब यहाँ पर BPCS के प्रयोग किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि G9 इंजनों में कितने हाइड्रोलिक डैम्पर्स जो है होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हाइड्रोलिक डैम्पर होते हैं, तो 20 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि G9 लोगों में कितने ट्रैक्शन कन्वर्टर होते हैं, तो यहाँ पे देखिए दो ट्रैक्शन कन्वर्टर होते हैं, तो दो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि G9 लोगों में कंप्रेसर चलाने के लिए डैश स्विच जो है प्रदान किए जाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि BLCP प्रदान किए जाते हैं। और एक देखिए BLCP-D भी डायरेक्ट चलाने के लिए भी दिए जाते हैं, तो ये BLCP यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि G9 लोगों को किस प्रकार के कर्सन मोटर से सुसज्जित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-फेज इंडक्शन मोटर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि G9 इंजनों में यदि BPEMS को दबाया जाता है तो डैश कार्रवाई की जाती है, तो देखिए BPEMS जो होता है आगे में ही दिया जाता है ड्राइविंग डैश पर, जो इमरजेंसी यानी कि BP ड्रॉप्स हो जाएगा, पेंटो लोअर हो जाएगा, डीजे ट्रिप्स हो जाएगा, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में से दबाया जाता है इमरजेंसी ब्रेक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि G9 इंजनों में बोगी को न्यूमेटिकली आइसोलेट करने के लिए जो है कॉक कहाँ स्थित होता है, न्यूमेटिकली आइसोलेट करने के लिए, यहाँ पे देखिए एवम मेन कंप्रेसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि G9 इंजनों में कूलिंग मोड में पेंटो और डीजे के लिए डैश मोटर प्रेशर जो है
बनता है। यहाँ पे देखिए एम सी पी ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ही करूँगा। यदि आप लोग ज़्यादा संख्या में यदि कैंडिडेट होंगे या चाहते होंगे कि टीआरएस से ज़्यादा क्वेश्चन बने तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।